चला आता आपण भारत माता या गीताचा पुढचा भाग अभ्यासू या। प्रिय कर ही डुलणारी शेते, प्रिय हे वारे सडसडते। या ओळींद्वारा कवयित्री शांता शेळके असे सांगतात की आमच्या देशात विविध पिकांनी डुलणारी जी शेते आहेत ती आम्हाला प्रियतम म्हणजेच खूप आवडणारी आहेत। तसेच आमच्या देशात सडसडते वारे म्हणजे जोरात वाहणारे जे वारे आहेत ते देखील आम्हाला प्रिय म्हणजे आवडणारी आहेत। इन अशआर में शायरा कहते है कि हमारे मुल्क में तरह तरह की फसलों से लहराते हुए जो खेत है वो खेत हमें प्रियतम यानी बहुत पसंद है। और हमारे देश में चलने वाली सड़सड़ते वारे यानी तेज रफ्तार हवाएं वो भी हमें प्रिय यानी बहुत ज्यादा पसंद है। प्रियतम अमचा धवल हिमाचल बगे भिराया जो गगना। या ओळींद्वारा कवयित्री सांगतात की आमच्या देशाच्या उत्तर भागात हिमाचल म्हणजे हिमालय नावाचा जो पर्वत आहे जो धवल धवल म्हणजे पांढऱ्या शुभ्र बर्फाने आच्छादलेला आहे तसे हा जो पर्वत आहे बगे भिळाया म्हणजे आकाशाला गवसणी घालायला बघतो आहे तो देखील आम्हाला खूप प्रियतम म्हणजे अतिशय आवडणारा आहे। इन अशआर में शायरा कहते हैं कि हमारे मुल्क में हिमाचल यानी हिमालय नाम का जो पहाड़ है जो पूरी तरह धवल धवल यानी सफेद बर्फ से ढका हुआ है और वो पहाड़ जो आसमान को छूना चाहता है जो बादलों तक पहुंचना चाहता है वो पहाड़ भी हमें प्रियतम यानी बहुत ज्यादा पसंद है। प्रियतम आमचे से विंद है प्रियतम या गंगा यमुना। या ओळींद्वारा कवयित्री शांता शेळके असे सांगतात की आमच्या देशात सह म्हणजे सह्याद्री नावाचा पर्वत आहे तसेच विंध नावाचा ही पर्वत आहे हे पर्वत देखील आम्हाला प्रियतम म्हणजे खूप आवडणारे आहेत। तसेच आमच्या देशात वाहणाऱ्या गंगा आणि यमुना नावाच्या ज्या नद्या आहेत या नद्या देखील आम्हाला खूप प्रियतम म्हणजे अतिशय आवडणाऱ्या आहेत। इन अशआर में शायरा कहते हैं कि हमारे मुल्क में सहविंद सह यानी सह्याद्री पहाड़ और विंद यानी विंध पहाड़ ये भी हमें बहुत पसंद है। और हमारे देश में गंगा और यमुना नाम के जो नदियां हैं वो नदियां भी हमें प्रियतम यानी बहुत ही ज्यादा अजीज है।